हेलो एवरीवन, आज का हमारा सवाल है, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, चार ऑप्शंस दिया गया आपको, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच रिलेशन बताना है। तो देखो यार, आप पढ़े होगे, एंथैल्पी जो होता है वो होता है एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी वर्क डन। तो यहाँ पे जब हम इसमें चेंज ऑपरेट करते हैं, मीन्स डेल्टा जब हम ऑपरेट करेंगे तो ये आपका डेल्टा पी भी बन जाता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात करें तो हम इसे पी डेल्टा भी लिख सकते हैं। फर्दर इसे ही हम लोग डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये आपका पी भी इक्वल टू होता है एन आर टी। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एन आर टी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये चेंज के साथ आएगा। फर्दर इसे हम देखें तो डेल्टा एच इक्वल टू ये आपका जो आर टी है ये कांस्टेंट होता है, ये बाहर आ जाता है, और यहाँ पे डेल्टा एन जी आपको मिल जाता है। ये डेल्टा एन जी जो है ये डिनोट कर रहा है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के मोल्स में कितने का चेंज आएगा जब रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 2A गैस है और प्रोडक्ट में मिला आपको 3B गैस, तो इस केस में डेल्टा एन जी का हम वैल्यू की बात करें तो हो जाएगा प्रोडक्ट में 3 मोल्स ऑफ गैसेस है, रिएक्टेंट में 2 मोल्स है, तो 3 माइनस 2 डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 हो जाएगा। यदि मान लीजिए रिएक्शन कुछ इस तरह से है, 2A गिव्स B और ये भी गैस है और यहाँ पे ये भी गैस है, यदि हम यहाँ पे डेल्टा एन जी के वैल्यू की बात करें तो डेल्टा एन जी हो जाएगा प्रोडक्ट में 1 मोल है, रिएक्टेंट में 2 मोल से, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो डेल्टा एन जी क्या होता, होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से यहाँ डेल्टा एच और डेल्टा ये डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच जो रिलेशन होगा वह डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन जी। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवेन है, आप देख लो कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।